श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धर्म प्रेमियों, आदरणीय भक्तजन, गरुड़ पुराण चौथा अध्याय। गरुड़ भगवान से पूछते हैं कि किन किन पापों के कारण मनुष्य यमलोक में जाता है और किन पापों से बैतरणी नदी में गिरता है, किन पापों के कारण मनुष्य नरक में पड़ता है, यह सब मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। भगवान ने गरुड़ को बताया कि हे गरुड़ जी, जो शुभ कर्मों के विपरीत हमेशा अशुभ कार्य करता है, ऐसे पापी मनुष्य बार बार नरक में जाते हैं और दुख के बाद पुनः दुख भोगते रहते हैं। अर्थात पापी मनुष्य हमेशा दुख आदि का अनुभव करते हैं। धर्मराजपुर के चार द्वार हैं, उनमें पूर्व, पश्चिम और उत्तर के द्वारों से धर्मात्मा मनुष्य जाते हैं, परंतु दक्षिण के द्वार से केवल पापी मनुष्य ही जाते हैं। दक्षिण के द्वार से जाने के रास्ते में बैतरणी नदी पड़ती है, उसमें जो पापी व्यक्ति जाते हैं वे पापी पुरुष वे होते हैं जो ब्राह्मणों की हत्या कर देते हैं, जो शराब का सेवन करते हैं, गौ के हत्यारे, बालकों की हत्या करने वाले, स्त्रियों की हत्या करने वाले, गर्भ को नष्ट करने वाले और गुप्त रूप से पाप करने वाले, गुरु की संपत्ति का हरण करने वाले, देवता या ब्राह्मण का धन हरण करने वाले, स्त्री द्रव्यहारी, बाल द्रव्यहारी, ऋण लेकर उसे न लौटाने वाले, धरोहर का अपहरण करने वाले, विश्वासघाती, विष देकर हत्या करने वाले, दूसरों के दोषों को अपनाने वाले, दूसरों के गुणों की अनदेखी करने वाले, गुणवानों के साथ बैर रखने वाले, नीच प्रकृति के व्यक्तियों के साथ अनुराग रखने वाले, मूर्ख, सत्संगति से दूर रहने वाले, तीर्थों, सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले, पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय और वेदांतों को दूषित करने वाले पापियों की श्रेणी में आते हैं। दुखी मनुष्य को देखकर खुश होने वाले, प्रसन्न व्यक्ति को दुख पहुंचाने वाले, बुरे वचन बोलने वाले तथा हमेशा दूषित चित्तवृत्ति वाले होते हैं। भलाई की बात भी न सुनने वाले, शास्त्र की आज्ञा किसी भी समय न मानने वाले, अभिमानी, मूर्ख, अपने को ज्ञानवान मानने वाले, पूर्व में गिनाए गए और भी धर्म रहित बहुत से पापी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में आते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में चलते हुए जो पापी प्राणी यमदूतों की प्रताड़ना से बैतरणी नदी में जाकर गिरते हैं, उनको बताता हूँ। जो मनुष्य माता, पिता, गुरु, आचार्य आदि का अपमान करते हैं, वे सब व्यक्ति बैतरणी नदी में गिरते हैं। अच्छे स्वभाव वालों से द्वेष करने वाले और द्वेष से पतिव्रता स्त्री का त्याग करने वाले व्यक्ति बैतरणी नदी में गिरते हैं। हजारों गुण जिस पुरुष में है, उनमें दोष आरोपण कर सत्य व्यक्तियों की निंदा करने वाले मनुष्य बैतरणी नदी में गिरते हैं। वचन देकर भी जो ब्राह्मण को वास्तव में दान नहीं देता और बुलाकर भी जो व्यक्ति यह कहला देता है कि वह घर पर नहीं है,
ऐसे दोनों प्रकार के व्यक्ति पैतरनी नदी में गिरते हैं। स्वयं दी गई वस्तु का जो अपहरण कर लेता है या दान देकर पश्चाताप करता है, जो दूसरों की आजीविका को छीन लेता है, दान देने से रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है, जो कथा भंग करता है, क्षेत्र की सीमा का हरण कर लेता है और जो गोचर भूमि को जोतता है, वह भी बैतरणी नदी में गिरता है। ब्राह्मण होकर रस विक्रय करने वाला शूद्र स्त्री का ब्राह्मण पति वेद प्रतिपादित यज्ञ के अलावा अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला ब्रह्म कर्म से मांस का सेवन करने वाला मद्यपान करने वाला उच्छृंखल स्वभाव वाला शास्त्र के अध्ययन से रहित ब्राह्मण वेद पढ़ने वाला शूद्र कपिला गाय का दूध पीने वाला शूद्र ब्राह्मण की पुत्री को अपनी पत्नी बनाने वाला शूद्र राज महर्षि के साथ बेविचार करने वाला पराई महिला का अपहरण करने वाला कन्या के साथ बेविचार करने वाला तथा जो सत्यत्व नष्ट करने वाला है, पूर्व में कहे हुए तथा अन्य बहुत से शास्त्र विरुद्ध काम करने वाला निहित कर्मों को त्याग करने वाले सब मूर्ख पापी व्यक्ति बैतरणी नदी में गिरते हैं। इस प्रकार के पापी व्यक्ति सब मार्ग को त्याग कर यमलोक को जाते हैं। वहाँ यमदूत आकर यम की आज्ञा से उन पापियों को वैतरणी नदी में डालते हैं। हे गरुड़, सब नरकों में 21 नरक अधिक दुख देने वाले हैं। इन 21 नरकों में वैतरणी नाम की नदी मुख्य है। यह सबसे अधिक कष्ट पहुंचाने वाले हैं मित्रों। इसलिए प्रथम में गिनाए गए ऐसे अति उत्कट पापियों को बैतरणी नदी में डालते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।